नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है शिवाय एस्ट्रोलॉजर में। आज हम चर्चा कर रहे हैं जन्म कुंडली में मंगल देवता के प्रथम भाव के परिणामों के बारे में। अगर हमारी जन्म कुंडली में मंगल देवता प्रथम भाव में विराजमान है तो वो किस तरह के परिणाम देंगे, हम उनको कैसे फलित करेंगे, क्योंकि मैंने इससे पहले भी शनि के ऊपर, शुक्र के ऊपर, राहु के ऊपर, उनके 12 भाव तक के सभी फलों के जो परिणाम होते हैं उनके ऊपर कई सारे वीडियो बनाए हैं, जो आपको मेरे इस YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और जन्म कुंडली विश्लेषण से संबंधित और एस्ट्रो वास्तु यानी कि जो वास्तु ज्योतिष है उससे संबंधित बहुत सारे जो वीडियो बना रखे हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, उनका भी लाभ ले सकते हैं। तो ये जो हमारा आज का जो वीडियो है, इसमें हम मंगल का प्रथम भाव का परिणाम बता रहे हैं। तो इसमें मंगल का प्रथम भाव का परिणाम कैसे फलित करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने कई सारे वीडियो देखे होंगे, कई सारी किताबें पढ़ी होंगी, उनमें मंगल के लग्न में अंदर परिणाम जो है वो काफ़ी अच्छे भी बताए जाते हैं, काफ़ी बुरे भी बताए जाते हैं, क्योंकि लग्न के अंदर मंगल की मेष राशि आती है। और सारी जो किताबें हैं, सारे जो लोग फलित करते हैं वो काल पुरुष की कुंडली को आधार मान के फलित करते हैं, तो उनके द्वारा जो बताया गया जो चीज़ें हैं वो कई हद तक सही भी जाती है, कुछ हद तक नहीं जाती है। तो हमारी जो जन्म कुंडली है उसमें लग्न में और कोई राशि आ सकती है और या फिर और कोई डिग्री आ सकती है। जैसे कि यहाँ पे जो लग्न है इसके अंदर मिथुन राशि आ रही है और यहाँ पे जो मंगल बैठा है वो 29.26 डिग्री पुनर्वसु नक्षत्र में बैठा है। तो आपका जो मंगल है वो लग्न में जरूर हो सकता है, लेकिन वो यहाँ पे 4 नंबर राशि में हो सकता है, यहाँ पे वो जो है 20 डिग्री पे हो सकता है, 10 डिग्री पे हो सकता है, 5 डिग्री पे हो सकता है, और भी कई तरह से डिग्री के अंतराल में आ सकता है। तो इस हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है कि इसको फलित करना पड़ता है। तो फलित जो है वो ज्योतिषाचार्य ही करते हैं, लेकिन अगर आप खुद स्वयं फलित करना चाहें तो भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताऊंगा और उस तरीके के अनुसार आप भी इस जन्म कुंडली को फलित कर सकते हो, यानी कि अपनी जो जन्म कुंडली है, अपने मित्रों की, अपने परिवार के लोगों की जन्म कुंडली में मंगल को या भी कोई भी ग्रह को फलित कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं मंगल के अच्छे बुरे परिणाम भी बताऊंगा, साथ में फलित करने का तरीका, और इस जन्म कुंडली के ऊपर उस तरीके से फलित करके भी बताऊंगा कि इस जन्म कुंडली में क्या परिणाम आए होंगे। तो आप इस वीडियो को संपूर्ण देखिए, जिससे कि आपको भी अपने लग्न में बैठे हुए मंगल का परिणाम का बहुत सारा आंकलन पता चले कि एक्चुअली में मेरा मंगल जो है वो किस तरह से परिणाम दे रहा है। तो सर्वप्रथम आप क्या करें, अगर मंगल जो है लग्न में बैठा है और वो मेष राशि में बैठा है, वृश्चिक राशि में बैठा है, मकर राशि में बैठा है, तो जातक का जो शरीर है वो हष्टपुष्ट होगा, दीर्घायु होगा, निरोगी काया होगी, यशस्वी होगा, भोगी होगा और राजा के सम्मान जो है वो सम्मानित होगा, परंतु स्त्री से कष्ट होगा। और अगर मंगल जो है वो लग्न में तुला राशि में बैठा है तो जातक को स्त्री सुख का लाभ बहुत ज्यादा होता है। और यदि लग्न में अगर मंगल देवता विराजमान है तो जातक विद्वान होता है, कलाकार होता है, और कर्क और मीन राशि में हो तो जातक जो है वो व्यभिचारी होता है और नशेबाज होता है। वैसे तो कर्क राशि में मंगल जो है वो नीच के होते हैं, लेकिन अगर मंगल कर्क राशि में अगर चतुर्थ भाव में हो तो बहुत ही बड़ा राजयोग कारक दे देता है। लेकिन अगर हम लग्न की बात कर रहे हैं प्रथम भाव की, तो यहाँ पे अगर मंगल देवता कर्क राशि में बैठे हैं तो कर्क राशि जो है वो काल पुरुष की जन्म कुंडली में 4 नंबर आती है, तो यहाँ पे बैठे हुए मंगल जो है वो नीच के माने गए हैं, जो बहुत ही नुकसानदायक हो। तो जातक निशेबाज हो जाता है और व्यभिचारी होता है, यानी कि उसकी दृष्टि जो है वो औरतों की तरफ गलत जाता रहता है। यदि मंगल पाप ग्रह युक्त हो, शत्रु ग्रह युक्त हो, तो जातक जो है वो कुरूप होता है, कुभाषी होता है, अल्पायु होता है, नेत्र रोगी होता है, वात शूल से पीड़ित होता है। और यदि सूर्य शनि से युक्त हो तो माता से संबंधित बहुत ही ज्यादा द्वेष पैदा रहता है जातक के मन में। और यदि शनि से युक्त हो तो जातक क्रोधी होता है, कठोर होता है, साहसी होता है और सूरवीर भी होता है। तो मंगल शनि की जो युति है लग्न में अगर बनती है तो जातक सूरवीर भी होता है और लड़ाकू भी होता है। और इसके अलावा मंगल के कई अच्छे और बुरे कई परिणाम होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मंगल जो है वो लग्न में नीच राशि में बैठा है तो जातक की बाल्यावस्था में पेट से संबंधित और दांतों से संबंधित कई सारी बीमारियां आती है। और यदि मंगल नीच का बैठा है और उसके ऊपर गुरु की दृष्टि आ रही है और गुरु अगर पीड़ित है और गुरु अगर किसी शत्रु राशि में बैठा है तो जातक को युवा अवस्था में रक्त विकार और उसको शारीरिक यौन से संबंधित बीमारी भी हो सकती है लग्न में बैठे मंगल से। और यदि लग्न में बैठे हुए मंगल पे शनि की दृष्टि आ जाए और शनि जो है वो कहीं ना कहीं जन्म कुंडली में 6, 8 और 12 घर का मालिक हो और कहीं ना कहीं बुरी राशि में बैठा हो तो जातक को
मंगल जो है वो सर से संबंधित, यानी कि उसके मस्तिष्क में कोई ना कोई विकार दे देना, उसकी आंखों से संबंधित पीड़ा दे देना, या फिर उसको बालों से संबंधित कोई ऐसी भयानक पीड़ा दे देना, यानी कि कम उम्र में ही बाल उठ जाना, बहुत ज्यादा सर दुखना, सर में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाना जो बीमारी लंबी चले, तो इस तरह की कोई लंबी बीमारी भी दे सकता है जातक को। और लग्न में बैठे हुए मंगल पे अगर राहु की दृष्टि आ जाए, और राहु जो है अगर शत्रु राशि में बैठा हो, बुरे घरों में बैठा हो, जैसे यहाँ पे छठे घर में बैठा है, या कैसे भी बुरे घर हो, 12वें घर में हो, अष्टम घर में हो, तो ऐसे बुरे घरों में बैठा हो तो जातक जो है वो कहीं ना कहीं अपने हर कार्य में बहुत ज्यादा ही आलसी हो जाता है, और किसी भी कार्य को पूर्ण करने में उसके अंतिम दौर में ही जाता है, यानी कि वो लास्ट से लास्ट टाइम पे ही कार्य को संपूर्ण करने में लगा रहता है, और कई बार जो है वो कार्य कंप्लीट होता भी नहीं है। और लग्न में बैठा हुआ मंगल अगर शुक्र की राशि में आ जाए, और शुक्र कहीं ना कहीं पीड़ित हो, अगर शुक्र पीड़ित नहीं है, मान लीजिए शुक्र की वृषभ राशि में आए और शुक्र जो है वो चला जाए 11वें घर में, या फिर शुक्र अपनी ही राशि में बैठ जाए या तुला राशि में, तो जातक के लिए बहुत अच्छा हो जाता है शुक्र का मंगल के साथ युति बनना, क्योंकि वो मंगल जो है वो शुक्र की राशि में, तो जातक को अच्छी पत्नी भी मिल जाती है और पत्नी से संबंधित उसको लाभ भी होता है। और यही अगर मंगल शुक्र की राशि में है और शुक्र कहीं छठे आठवें और 12वें घर में बैठा हो, तो जातक जो है वो असंतुष्ट रहता है अपने पूरे जीवन भर, कभी भी चंचल जैसी स्वभाव नहीं हो पाता है जातक की, और जातक जो है वो गुप्त रोगों से भी पीड़ित रहता है, चर्म रोग भी हो जाते हैं, चर्म रोग केतु भी देता है, लेकिन शुक्र भी दे देता है चर्म रोग, और शरीर में वात रोग से संबंधित पीड़ा, और जातक के शरीर पे खास करके मुख पे, यानी क्योंकि लग्न में बैठा हुआ मंगल है तो मुख पे कोई ऐसा निशान दे देता है, क्योंकि शुक्र जो है वो सुंदरता का कारक है, तो अगर वो छठे आठवें 12वें घर में चला जाता है और शुक्र की राशि में मंगल आ जाता है, तो जातक के मुख पे कहीं ना कहीं सर पे या कोई ना कोई ऐसा निशान लग जाता है कटने का, या कोई ना कोई फोड़ा फुंसी का, जिससे कि वो बहुत ही बुरा लगता है, तो उसका भी जातक को बहुत ज्यादा पछतावा रहता है, दुखी भी करता है, हृदय पीड़ा देता है। और अगर लग्न में बैठा हुआ मंगल कहीं ना कहीं केतु से संबंध बना ले, केतु से दृष्टि संबंध बना ले, तो जातक को कहीं ना कहीं चर्म रोग, या फिर अपने परिवार में किसी से बनना नहीं, अपने परिवार के लोगों से किनारा कर लेना, यानी कि उसके जीवन में कोई ना कोई ऐसी दरार डाल देता है, क्योंकि लग्न क्या है, स्वयं है, और वो जातक को ऐसा सेल्फिश या फिर ऐसा घमंडशाली व्यक्ति बना देता है कि जातक कहीं ना कहीं अपने घमंड में चूर होके अपने परिवार के लोगों से, यानी कि मान लीजिए पिता से हो, बड़े भाइयों से हो, या और कोई भी व्यक्ति हो, उनसे कट जाता है, उसके अंदर दरार डाल देता है, केतु जो है वो दरार डालने का कार्य करता है। तो मंगल के जिन जिन ग्रहों के साथ युति बन जाती है, जैसे चंद्रमा है, तो चंद्रमा लक्ष्मी का कारक है, चंद्रमा की राशि में जो मंगल है वो नीच का हो जाता है, लेकिन चंद्रमा जो है वो एक तरह से लक्ष्मी योग बना देता है मंगल के साथ, तो अगर लग्न में मंगल बैठा हो तो जातक के लिए बहुत अच्छा होता है, और मैरिटल लाइफ के लिए भी बड़ा अच्छा होता है। और अगर लग्न में मंगल हो और चंद्रमा कहीं बुरे घरों में हो या शत्रु राशियों में, जैसे यहाँ पे जो है शनि और चंद्र का विष योग में बैठा है चंद्रमा, तो यहाँ पे जो है वो अच्छा नहीं है, यहाँ पे बुरा रिजल्ट दे सकता है मंगल के, लेकिन वो संबंध बनाना जरूरी है कि जैसे मान लीजिए मंगल चंद्रमा की राशि में हो या फिर चंद्रमा के नक्षत्र में हो, यहाँ पे जो मंगल है वो मिथुन राशि में बैठा है, मिथुन राशि का मालिक जो है वो छठे घर में बैठा है जो शुक्र और राहु के साथ है, तो ये अच्छा नहीं है, तो इस जातक का ये आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं जातक जो है वो अपने एजुकेशन में भी पिछड़ सकता है, और अपने जो वैवाहिक जीवन है उसमें भी पिछड़ सकता है, क्योंकि छठे घर का बुध जो है वो कहीं ना कहीं जातक को सेल्फिश बना देता है, क्योंकि लग्न का संबंध छठे घर से हो, जातक सेल्फिश बन गया, तो वो सेल्फिश जातक जो है वो पार्टनरशिप में नहीं आता, यानी पार्टनरशिप का कारक है सातवां घर, तो सातवां घर विवाह का कारक है, जो पार्टनरशिप को दर्शाता है, हमारे जीवन के अंदर हम किसी न किसी व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप करते हैं, तो सबसे जो महत्वपूर्ण है वो धर्म पत्नी होती है, तो धर्म पत्नी या धर्म पति, तो उसके साथ हमारी जो पार्टनरशिप है उसको बुध और मंगल मिलकर तोड़ेंगे, तो यानी कि ये एक तरह से देखा जाए तो मंगल मिथुन का मंगल अगर अच्छा नहीं है, क्योंकि बुध जो है वो यहाँ पे चला गया आपके सब छठे घर में, अगर ये पंचम घर में आ जाता तो जातक जो है बहुत ही खुश मिजाज होता, बोलने में बहुत ही वाक चातुर्य रखता, और बहुत ही अच्छी तरह की हर तरह की सोच रखता, तो ये डिपेंड करता है उसके लिंक से। यहाँ पे आप देखोगे तो मंगल पुनर्वसु नक्षत्र में, तो इसका मालिक चतुर्थ भाव में बैठा, तो जातक को प्रॉपर्टी में बहुत इंटरेस्ट होगा, पैदा होते ही पिता को प्रॉपर्टी लग जाएगी,
पैदा होते ही सारी सुख सुविधाएं लगनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे चतुर्थ भाव को उजागर कर दिया यानी एक्टिवेट कर दिया, तो अब उसको कहीं ना कहीं वो सारे सुख मिलेंगे। तो वो बचपन में उसके पिता के द्वारा मिलेंगे, क्योंकि पिता सारी की सारी चीज़ें खरीद लेगा। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ बच्चों के जन्म लेने के बाद उसके पिता के भाग्य खुल जाते हैं, तो वो इसी का कारण है कि उसका कोई ऐसा राजयोग होता है। तो ये सारे जो योग हैं आपकी जन्म कुंडली में हो सकते हैं। तो इस तरह से आप मंगल को समझ लीजिए, उसके अच्छे और बुरे परिणाम उसकी दृष्टियों के साथ और उसके जो राशियों के साथ, कि कौन सी राशि में बैठा है तो उस राशि का स्वामी कहाँ बैठा है, उससे संबंधित आपको परिणाम मिल सकते हैं। तो ये जो परिणाम थे वो मंगल के लग्न में अच्छे बुरे परिणाम थे। अब हम देखते हैं कि मंगल को लग्न में कैसे फलित करें। तो जब भी आप जन्म कुंडली में किसी भी ग्रह को देखते हो, खास करके या कोई भी ग्रह हो, जैसे इस जन्म कुंडली में मंगल हम टारगेट पे है, तो मंगल जो है वो यहाँ पे 29.26 डिग्री में है पुनर्वसु नक्षत्र में। तो आपने बहुत सारी किताबों में और जैसे भी पढ़ा होगा तो आपने ये देखा होगा कि ये अवस्थाओं में है। यहाँ पे कुछ लोग इसे वृद्धा अवस्था में कहते हैं, कुछ लोग इसे मृत अवस्था में कह देते हैं, कुछ बाल अवस्थाओं में, जैसे उनको डिग्री वाइज अवस्थाओं में बांट लेते हैं। तो इनसे आप पूर्णतया रिजल्ट नहीं निकाल सकते। जैसे यहाँ पे कह देते हैं मृत अवस्था में, तो अब ये परिणाम नहीं देगा, ये नहीं है। ये सिंपल मेरे हिसाब से इस चीज को हम कंप्लीट नहीं मान सकते, क्योंकि अच्छा और बुरा परिणाम जो है वो डिग्रियों पे डिपेंड है, कि वो जिस नक्षत्र में जाएगा उसका नक्षत्र का मालिक जहाँ बैठा होगा वो परिणाम देगा, तो वो तो डिपेंड करता है। अब ये मृत अवस्था में है तो मृत अवस्था का मतलब तो कोई परिणाम तो है नहीं, तो इसलिए हम मंगल को कैलकुलेट ही नहीं करें, तो इससे तो रिजल्ट का कुछ पता ही नहीं चलेगा। जबकि मंगल की महादशाओं में, अंतर दशाओं में बहुत सारे परिणाम आते हैं और आए हैं। तो इसलिए आप इस डिग्री वाली चीज को देख सकते हो, समझ सकते हो, जो आपको समझ में आए। लेकिन मेरा जो कैलकुलेशन का तरीका है वो ये है कि सबसे पहले आप ये देखें कि भाव चरित जो कुंडली है उसके अंदर मंगल जो क्या लग्न में बैठा है, क्या वो लग्न का ही सबल कार्य है या फिर वो 12वें घर का या सेकंड हाउस में तो नहीं जा रहा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इसको अपने कोई भी सॉफ्टवेयर, जो भी आपके पास सॉफ्टवेयर है, सारे सॉफ्टवेयर में होता है ये भाव चलित कुंडली। कुंडली के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, जैसे ये एक कुंडली चक्रा है, आप पारसल लाइट यूज कर सकते हो, और हॉरोसॉफ्ट है वो भी आता है, और उसके अलावा जो है वो जगन्नाथ होरा जो सबसे बेस्ट है इनमें सब में, सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है जगन्नाथ होरा, उसको भी यूज कर सकते हो जो काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर है जो फ्रीली अवेलेबल है उनमें भी आता है। तो भाव चलित कुंडली में जरूर देखें। तो ये जो भाव चलित कुंडली है यहाँ पे मंगल देवता है लग्न में ही विराजमान है, इसका मतलब है कि ये मंगल जो है लग्न के ही सबल कार्य से और मंगल का ही यानी लग्न का ही रिजल्ट देंगे। आप यहाँ पे देखोगे तो आपका अष्टम भाव के अंदर शनि चंद्र का विष योग जो है वो यहाँ पे अष्टम भाव में है, यहाँ पे आपके सप्तम भाव में चला गया। तो इसका मतलब है कि ये जो परिणाम आ रहा है कहीं ना कहीं मंगल शनि और चंद्रमा जो है वो 8वें घर का परिणाम देंगे, लेकिन उससे ज्यादा यानी कि वो 90% जो परिणाम है वो सप्तम भाव का ही देंगे। तो ये जरूर देखना चाहिए भाव चली से। भाव चली से हमें भावों का असली चलायमान का डिग्री का पता चल जाता है कि भाव के अनुकूल कौन सा परिणाम यानी कौन सा भाव स्ट्रॉन्ग है उस भाव का परिणाम ज्यादा देगा। हम अगर लग्न में बैठे हुए मंगल का कोई रेमेडीज कर रहे हैं तो अगर वो भाव चलित में 12वें घर में चला गया तो वो उसको एक्टिवेट करेगा, उसके ही परिणाम देगा, उसको ही शांत कर देगा। तो ये आपको देखना बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप फलित ज्योतिष में काम करते हो तो आपको हर वो चीज़ को देखना चाहिए। प्लस अगर आप उससे संबंधित जो भी परिणाम निकालते हो, चाहे एजुकेशन से लेना है, शादी से लेना है, कर्म से लेना है, तो उससे संबंधित उसकी वर्क कुंडलियों को जरूर देखें। शादी से लिए 9 मास को देखें, कर्म के लिए 10 मास को देखें, और एजुकेशन के लिए, संतान के लिए 7मास कुंडली है, D10 D4 चार्ट है, जैसे चतुर्थांश कुंडली है, तो इन सब कुंडलियों को भी देखें। साथ में आप देखें कि फलित करने के लिए कि हमारा जो मंगल है वो किस राशि में बैठा है और किस नक्षत्र में बैठा है। कोई भी ग्रह अपने सबसे ज्यादा जो परिणाम है वो नक्षत्र का देगा। पुनर्वसु नक्षत्र में बैठा है तो इसका मालिक है गुरु। तो अब ये मान सकते हो आप सिंपली तौर पे कि मंगल जो है वो गुरु का एजेंट है। अब मंगल वही परिणाम देगा जो गुरु निर्धारित करेगा। जन्म कुंडली में गुरु अगर चतुर्थ भाव में बैठा है तो जातक की एजुकेशन बड़ी अच्छी कर देगा, एजुकेशन में लाभ करेगा, एजुकेशन से संबंधित उसको बहुत सारे अच्छे परिणाम देगा, और घर घर बना देगा, गाड़ी बुला देगा, हर तरह से अच्छे परिणाम देगा, और कहीं ना कहीं कोई गवर्नमेंट नौकरी में अच्छे राजयोग भी दे सकता है, क्योंकि गुरु का चतुर्थ भाव में बहुत ही अच्छे परिणाम आते हैं। एजुकेशन के तौर पे हो चाहे किसी भी तौर पे हो, चतुर्थ भाव में गुरु बैठा होता है तो वैवाहिक जीवन के लिए जरा ही मुश्किल कर देता है, खास करके अगर गुरु केंद्राधिपति दोष में हो, क्योंकि केंद्र का मालिक है और केंद्र में दोनों राशियां आ रही है और चतुर्थ भाव में बैठा है तो केंद्राधिपति दोष में आ गया। तो यहाँ पे बैठा हुआ गुरु जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैरिटल लाइफ से संबंधित ही नुकसान देगा, क्योंकि वो चतुर्थ भाव में गया है, सप्तम भाव का मालिक चतुर्थ में गया है, तो वो मैरिटल लाइफ का यानी कि विवाह से संबंधित पहले फलों को काट देगा।
अगर ये दशम भाव में जाता तो विवाह से संबंधित परेशानी नहीं देता, चतुर्थ भाव में गया तो अब ये विवाह से संबंधित परेशानी देगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लग्न में बैठा हुआ जो आपका मंगल है वो मांगलिक योग भी बनाता है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके पार्टनर की कुंडली पे। अगर पार्टनर की कुंडली में यहाँ पे लग्न में शनि आ जाए या लग्न में गुरु आ जाए तो वो मांगलिक दोष भी कैंसिल हो जाता है। या फिर इस मंगल के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि जैसे गुरु की या फिर अशुभ ग्रह जैसे शनि है इसकी दृष्टि आ जाए तो भी मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है। तो आप सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नक्षत्र को लेंगे यानी नक्षत्र का मालिक, उसके बाद आप लेंगे कि राशि स्वामी। राशि स्वामी यहाँ पे मिथुन है तो मिथुन का मालिक जो है वो बुध है, तो बुध जो है वो छठे घर में बैठा है। तो जातक को यहाँ पे लग्न से छठे घर को जोड़ता है। जातक की नौकरी से संबंधित ज्यादा इच्छाएं रहेंगी, नौकरी में बड़ा अच्छा राजयोग देगा, नौकरी से संबंधित बहुत मेहनत करेगा और बहुत ज्यादा ही मेहनती होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है इसके। हाँ, इसको व्यवसाय से संबंधित इच्छा तो रहेगी क्योंकि सप्तम भाव से तो जुड़ा हुआ है, लेकिन चतुर्थ भाव से जुड़ गया, दशम से नहीं जुड़ा, दशम भाव में नहीं बैठा है गुरु। तो गुरु जो है कार्य बना चतुर्थ का, तो कहीं ना कहीं इसको व्यवसाय से संबंधित कम रहेगी इच्छा, लेकिन ये अपने नौकरी में व्यवसाय के तरह के लाभ लेगा यानी मैनेजर लेवल पे पहुंच जाएगा, उच्च लेवल पे पहुंच जाएगा, तो वहां से संबंधित इसको लाभ रहेगा। तो आप भी अपनी जन्म कुंडली में इस तरह से नक्षत्र के द्वारा और राशि के द्वारा आइडिया लगा सकते हो कि कौन सा ग्रह कहाँ से जुड़ा हुआ है ये। और इस जन्म कुंडली की बात करें कि इस जन्म कुंडली में मंगल कैसा रिजल्ट देगा, तो जातक को अभी चल रही है राहु की महादशा और जातक की जो उम्र है उसके अनुकूल 92 का बर्थ है, तो इसके अनुकूल अगर बात करें तो विवाह से संबंधित अगर हम बात कर लेते हैं, तो विवाह से संबंधित अगर हम बात करें तो आप इसको नवमास को भी देख सकते हैं, लेकिन मैं लग्न को देख के ही आपको कुछ आइडिया देता हूं। तो यहाँ पे अगर मंगल बैठा है तो छठे घर से सीधा संबंध है तो तकलीफ दे रहा है, चतुर्थ भाव से गुरु से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन मंगल की एक राशि जो है वो ग्यारहवें घर में जा रही है यानी लग्न में जुड़ा हुआ मंगल ग्यारहवें घर से भी जुड़ रहा है, तो ये एक अच्छा राजयोग है। तो और दूसरा क्या है कि मंगल जो है वो पुनर्वसु नक्षत्र में है और उसका जो उप नक्षत्र है वो सूर्य। यहाँ पे आप देखोगे तो मंगल जो है वो गुरु की राशि में नक्षत्र में है और सूर्य के उप नक्षत्र में, तो सूर्य जो है वो पंचम भाव में बैठा है, तो कहीं ना कहीं जातक का लाभ भाव यानी कि मंगल की एक राशि लाभ भाव में आ रही है। तो मंगल यहाँ पे विवाह से संबंधित परेशानी तो क्रिएट करेगा क्योंकि वो लग्न का मालिक छठे घर से जुड़ रहा है, छठा घर तलाक का है, शादी का बारहवां घर है यानी सातवें का बारहवां है, तो मैरिटल लाइफ से संबंधित तनाव, शादी में देरी करना, विवाह से संबंधित फलों में मनमुटाव होना, लाभ नहीं होना और हर तरह से परेशानियों को क्रिएट करता है। तो यहाँ पे वो देखना पड़ेगा कि कौन सी दशाओं में ज्यादा इफेक्ट होगा। तो अभी राहु का पीरियड चल रहा है, तो राहु में जब मंगल आएगा तो बहुत ही ज्यादा तकलीफ होगी, बहुत ज्यादा ही बुरे परिणाम आएंगे। यही मंगल अगर गुरु में आएगा तो इतना परेशान नहीं करेगा क्योंकि गुरु कहीं से भी छठे से नहीं जुड़ता है। मंगल जरूर छठे से जुड़ता है लेकिन गुरु नहीं जुड़ता, गुरु चतुर्थ और सातवें जुड़ा है और गुरु हस्ता नक्षत्र में है जो यहाँ पे चंद्रमा का नक्षत्र है, चंद्रमा सेकंड हाउस का मालिक है और मंगल भी ग्यारहवें घर का और यहाँ पे पंचम घर का रिजल्ट दे रहा है। तो यानी कि ये मंगल जो है वो शादी के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, बस डिपेंड करता है अंतरदशाओं पर महादशाओं पर। तो राहू के अंदर मंगल आना शादी के लिए बहुत बुरा होगा, मैरिटल लाइफ मैरिटल समय के लिए वहां पे खटास भरा समय निकलेगा, लेकिन अगर यही मंगल गुरु में आएगा या कोई और ग्रह में आएगा तो बहुत अच्छा लाभ देगा, ये हो सकता है। साथ में अगर मंगल राहु में आ रहा है तो आप राहु के उपाय करें, मंगल के ना करें। और मंगल के अंदर जो अंतरदशाएं आती है तो उसमें भी आप देख सकते हो, जैसे मंगल के अंदर जो अंतरदशाएं हैं, मंगल में मंगल यहाँ पे तकलीफ आ सकती है, फिर राहु में भी तकलीफ है, फिर गुरु में नहीं आएगी, शनि में भी नहीं आएगी क्योंकि शनि नवम का मालिक है, तो नवा और ग्यारहवां दो अच्छे भाव मिल गए तो यहाँ पे तकलीफ नहीं है। बुध में आओगे तो तकलीफ है, केतु में भी तकलीफ रहेगी, शुक्र में नहीं आएगी क्योंकि पंचम का मालिक है लेकिन बारहवें का भी मालिक है तो थोड़ी बहुत चलता रहेगा, सूर्य में बिल्कुल भी नहीं आएगी और चंद्रमा में भी नहीं आएगी। तो इस तरह से आप अंतरदशाओं तक भी ये आइडिया लगा सकते हो, प्लस अपना पिछला वक्त तो देख लीजिए, किसी भी जातक का पिछला वक्त अगर अपनी कैलकुलेशन से मैच हो जाता है तो आप ये माने कि मैं प्रडिक्शन के काफी अच्छे लेवल में आ रहा हूँ और काफी चीजों को समझ सकता हूँ। इसके अलावा आप अष्टक वर्ग में उसके पॉइंट देख सकते हो, लग्न में मंगल बैठा है तो लग्न के पॉइंट देख लीजिए, वहां से आपको काफी अच्छे परिणाम मिल जाएंगे। साथ में आप उसकी राशियों के परिणाम भी देख सकते हो अष्टक वर्ग में पॉइंटों में द्वारा, ये भी काफी अच्छी चीजें हैं, तो उन सब चीजों का आइडिया लगा सकते हो। तो ये जो वीडियो था ये लग्न में मंगल का था और कैसे फलित करते हैं, कैसे सारी चीजों को हम एनालिसिस करते हैं, तो उस तरह से आप देख सकते हो। मेरे सारे वीडियो जो है इस तरह के प्रैक्टिकल में बताए गए हैं, आप उनका लाभ ले सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। तो धन्यवाद दोस्तों।